गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि आखिर क्यों सोनिया हुसैन ने उर्वा हुसैन के ऊपर लीगली केस किया है। 2 साल लगातार काम करने के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि सोनिया हुसैन ने उर्वा हुसैन पर लीगली केस कर दिया। सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उर्वा हुसैन की मूवी टच बटन, जो कि 11 नवंबर 2022 को रिलीज़ होने वाली है। उर्वा हुसैन इस मूवी की प्रोड्यूसर हैं और इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर का रोल प्ले कर रही हैं फरहान सईद, फिरोज खान, एमन अली एंड सोनिया हुसैन। ये फिल्म जनवरी 2020 में बनना स्टार्ट हुई थी एंड जून 2020 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन उस वक्त ये रिलीज़ नहीं हुई। इसका कारण ये है कि एज़ यू नो कि 2020 में कोविड-19 आ गया था, जिसकी वजह से सब जगह सब कुछ बंद हो चुका था। इस साल 11 नवंबर 2022 को इस मूवी को रिलीज़ डेट फाइनलाइज़ की गई, लेकिन उसी बीच में ये बात सामने आई है कि सोनिया हुसैन ने उर्वा हुसैन पर लीगली केस किया है। और केस करने का कारण ये है कि सोनिया हुसैन ने दावा किया है कि 2 साल लगातार काम करने के बाद भी उन्हें उनकी पेमेंट नहीं दी गई। पूरे 2 साल काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपये ही दिए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने डिमांड किया है कि 5 मिलियन रुपीज़ जो है उनके अभी भी बाकी हैं, जो कि उर्वा हुसैन ने अभी तक नहीं दिए हैं। और सोनिया हुसैन ने कहा है कि जब तक उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी वो टिच बटन को कहीं भी प्रमोट नहीं करने वाली हैं। इवन कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी कहीं भी प्रमोट नहीं किया। उसके साथ अभी टिच बटन के जितने भी प्रमोशंस चल रहे हैं उसके अंदर सोनिया हुसैन नहीं आई हैं। सोनिया हुसैन के अलावा फिरोज़ खान, जो कि इस प्रमोशंस में कहीं भी नज़र नहीं आए, ना ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं भी प्रमोट किया है, क्योंकि उनका ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी बिजी भी हैं। टिच बटन के प्रमोशन के लिए सिर्फ 4 लोग नज़र आए, फरहान सईद, उर्वा हुसैन, कासिम अली मुरीद जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उसके अलावा एमन अली जो कि इस प्रमोशंस में नज़र आई, उसके अलावा कोई भी और एक्टर नहीं नज़र आया। सोनिया का कहना है कि इस मूवी के कंप्लीट होने के बाद उर्वा ने ये प्रॉमिस किया था कि वो पैसे दे देंगी, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्हें पेमेंट नहीं दी है, जिसकी वजह से उन्हें लीगल केस फाइल करना पड़ा। फिलहाल उर्वा हुसैन ने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा है और देखना होगा कि उर्वा इस पूरे मैटर में क्या कुछ कहने वाली हैं और क्या कुछ उनका एक्शन होगा। इस पूरे मैटर पर आप लोगों को क्या कहना है, आपके ओपिनियंस क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड बजिंगा। थैंक यू।